सरकार ने बच्चों, महिलाओं, किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए बाल विकास परियोजना चलाई है, जिसके तहत प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। परंतु संत रविदास नगर भदोही जिले के चक्कुमाचती गांव में पिछले एक साल से आंगनबाड़ी बंद होने के कारण मोतीलाल सहित करीब 500 लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपकी आंगनबाड़ी केंद्र बना बा? हमारी है आंगनबाड़ी बना है, लेकिन आंगनबाड़ी कोई आता नहीं है, आंगनबाड़ी में यहाँ कोई बैठता नहीं है, ताला भी नहीं खुलता है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो छतुआ नहीं पाते हैं, कोई सामान पाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, खेलते हैं मनमानी। कब से बंद है? अरे कब से, जब से खुला तब से बंद है। हमारे लोहिया गांव हुआ है, डॉक्टर राम जो लोहिया के नाम से घोषणा हुआ है, लेकिन हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं मिल रहा, सरकार ने सुविधा दे लेकिन यहाँ पब्लिक सुविधा नहीं पा रही है। क्या चाहते हैं आप? अरे हम लोग अपने गांव के विकास चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, सुतुआ मिले, सब कुछ, खाना पीना, बच्चा खाए पिए, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान हो, बुद्धि हो, दिमाग हो, सरकार व्यवस्था दे रही है, क्यों नहीं मिल रहा है? आंगनबाड़ी बाप की है? हाँ। खुलो थे? नहीं। ना खुलो का समस्या होता? अरे काहे नहीं समस्या होता भैया, गदेला पढ़ाई जाते हैं, पंजीरी पढ़ते हैं, गदेला में तो पोस्ट ही आवत कि पता हो कि लड़कियां बाहर पेटे में भूख मिले खाई तो ना पोस्ट ही होए ना। आपकी आंगनबाड़ी केंद्र बा? आंगनबाड़ी केंद्र एक साल हो गई बने भैया, वहाँ कुछ न खुले था, ताला न मिले था। आंगनबाड़ी बंद रहे कौन समस्या होता? कुल समय सही भी है, जब नहीं खुला तो भैया तो तेरे कहना लड़कियाँ जाता है नहीं सतुआ पौते मेहरारू जो बटे गर्भवती है उन्होंने नहीं कुछ पावत है न पढ़ा लिखे थे, यही सब समस्या और कौन समस्या होगी। आपका चाहत है? अरे हम तो चाहते हैं खुले ही और लोग पाव ही। आंगनबाड़ी बना आपकी है? बना तो वाह भैया, साल भरे का कुछ पता ही नहीं चला था, वहाँ स्कूल न खुला था न कुछ मिलता ही गदेली गदेलन के, अब ना मिले समस्या है ये भैया, नानन गदेला दुआरे खिसावत है, मने जाते हैं मने वही ओढ़े रच के लालच में मने पढ़बो लिखब करते हैं, सहूल कर तब सीखते हैं, खाबो पियब करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप और नियमानुसार खुले, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि यह आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुले, इसके लिए आप सुइया ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 9454465125 पर दबाव बनाकर आप हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार सरोज, संत रविदास नगर भदोही से, इंडिया अलर्ट के लिए।